यीशु अपन सेवा शुरू करे करत हैं। शैतान के परीक्षा का मना करे के बाद यीशु वापस गलील के क्षेत्र में आए, या वह जगह आए जहां ऊ रहत रहे हैं। पवित्र आत्मा उन्हें बहुत सामर्थ्य देत रहे हैं और यीशु एक ही जगह से दूसर जगह में गए और मनन का शिक्षा दें। सबको उनखर बारे में अच्छी बात कहें। यीशु पढ़िन, परमात्मा मोही अपन आत्मा दें ही ताकि मैं कंगालन में सुसमाचार प्रचार कर सकूं। ऊ मोही एखे लाने भेजिन हैं कि कैदिन का स्वतंत्र करूं, अंधन का फिर से दृष्टि प्रदान करूं और उन्हें छुटकारा दूं जिन्हें दूसर मने कुचरत हैं। जब परमात्मा हमरे ऊपर दयालु होई ही और हमर सहायता करी, फिर यीशु बैठ गए। जब सब मने उन्हें ध्यान से देखत रहे हैं, वो जानत रहे हैं कि पवित्र शास्त्र के जौन भाग व अबू पढ़त हैं वह मसीह के बारे में रव है। यीशु कहिन, जौन बात मैं अबू तुम्हारे लाने पढ़े हों वो यह समय घटत हैं। सब मने चकित रहे हैं। वो कहिन, का यह यीशु के बेटवा न हो? तब यीशु कहिन, यह सही बात आए कि मने को ऐसे भविष्यता का कभू स्वीकार नहीं करा जौन उनके नगर में पलो बढ़ो रहा था। एलिय्याह भविष्यवक्ता के समय में इसराइल में बहुत सारा विधवा रही हूँ, पर जब 3.5 साल तक बारिश नहीं भा त परमात्मा एलिय्याह का इसराइल में कोनो विधवा के सहायता करे के लाने नहीं भेजिन। एक बजे ऊँ एलिय्याह का कोनो दूसर देश के विधवा के पास भेजिन। यीशु बोलत ही रही गए और एलिशा भविष्यवक्ता के समय में इसराइल में बहुत से मने चमड़ी के रोग से पीड़ित रहे हैं, पर एलिशा उन मन से कोनो का भी चंगा नहीं करीस। वह केवल इसराइल के शत्रु के सेनापति नामान का चंगा करीस। पर जौन मने यीशु का सुनत रहे हैं ऊ यहूदी रहे हैं। ऐसे जब ऊ उन्हीं यह कहत सुनिन ता ऊ उनके ऊपर गुस्सा होई गए। नासरत के मने यीशु का पकड़ लें और वही आराधना के जगह से घसीट के बाहर ले गए। ऊ उन्हीं मार डाले के लाने नीचे फेंके का इठे चट्टान के सिरा में ले गए। पर यीशु भीड़ में से निकल गए और नासरत नगर का छोड़ के चलो गए। फिर यीशु सगला गलील के क्षेत्र में गए और बड़ा भीड़ उनखर पास आ गई। ऊ ऐसे बहुत से मनैन का लेके आए जौन बीमार और विकलांग रहे हैं। उनमें से कुछ देख चल सुन या बोल नहीं सकत रहे हैं और यीशु उन्हें चंगा करी। बहुत से ऐसे मनई यीशु के पास लाए गए जे मन दुष्ट आत्मा रही हैं। यीशु दुष्ट आत्मन का उन मन से निकल जाए के आदेश दें। वो दुष्ट आत्मन हमेशा चिल्लाए करत रहे हैं, ते परमात्मा के बेटवा हस। भीड़ के मने चकित रहे हैं और ऊ परमात्मा के स्तुति करिन। फिर यीशु 12 आदमी का चुनिन जिन्हें ऊ अपन प्रेरित कहिन। ऊ प्रेरित उनखर साथ यात्रा करिन और उनखर से शिक्षा लेन। मत्ती अध्याय 4:12-25, मरकुस 1:14-15, 35-39, 3:13-21, लूका 4:14-30, 38-44 से बाइबल की एक कहानी।